इस एक इंटरफेस पर एक ही नेटवर्क एग्जिस्ट कर सकता है। एक नेटवर्क का मतलब है ये पूरा एक ब्लॉक। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम सब नेटिंग करते क्यों हैं। लार्ज नेटवर्क्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके लिए हम छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना लेते हैं। वैसे भी आईपी एड्रेसिंग की जो वेस्टेज हो रही थी उसको भी ओवरकम करने के लिए सबनेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो क्लास सी का एक एग्जांपल हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम दोबारा से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास सी को सबनेट करके देखते हैं कि क्लास सी की सबनेटिंग कैसे होती है। जौन सी मर्जी क्लास का नेटवर्क हो, सबनेटिंग का तरीका एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो चाहे क्लास ए हो, बी हो, सी हो, तीनों क्लास में से जौन सा मर्जी नेटवर्क आपके पास हो, आप सबनेटिंग कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास सी का नेटवर्क लिया है। सबसे पहले आपको किसी भी क्लास के नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो नेटवर्क क्या है। एक नेटवर्क को जब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, फिर आप उसको छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। दैट विल नॉट बी अ बिग डील। ओके, इसको समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या है। मुझे कैसे पता चला कि ये क्लास सी का नेटवर्क है? ये 192 से पता चलता है कि ये क्लास सी है, बिकॉज क्लास सी की रेंज स्टार्ट होती है 192 से लेके 223 तक। आपको फर्स्ट ऑक्टेट में इसमें से कोई भी वैल्यू नजर आए तो फौरन से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये क्लास सी है। अब क्लास सी है और उसके बाद पता चल गया हमें कि ये क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है। अब 192.168.1.0, अब हमें ये भी पता है कि क्लास सी के अंदर जो लिगेसी क्लास फुल एड्रेसिंग आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक 24 बिट्स जो होती हैं वो नेटवर्क की होती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये 24 नहीं भी लिखता, सिंपल लिख देता 192.168.1.0, तो अंडरस्टूड था ये कि इसके अंदर जो 24 बिट्स हैं यानी कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स, ये आपके नेटवर्क के हैं। 24 बिट्स आपका नेटवर्क बनाएंगी और आखिरी 8 बिट्स आपका होस्ट बनाएंगी। इसका ब्लॉक को अब बना लेते हैं। ब्लॉक बनाना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। जी, ब्लॉक का फर्स्ट आईपी 192.168.1, यहां तक तो था हमारा नेटवर्क पार्ट। और अब ये जो मैं अब ग्रीन कलर से लिखूंगा जीरो, दैट मींस यहां से ब्लॉक शुरू होगा और नेटवर्क पार्ट चेंज नहीं होगा। 192 यानी कि ये नेटवर्क पार्ट एज इट इज रहेगा 192.168.1, और होस्ट पार्ट बिल्कुल एंड पे 8 बिट्स का होस्ट पार्ट है, जीरो से शुरू हुआ और लास्ट पे 255 पे खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी आपको लास्ट ऑक्टेट की खाली बाइनरी दिखाऊं तो ये बेसिकली क्या बनेगी, इसकी ये जो लास्ट जीरो लिखा हुआ है ये बेसिकली ये है 4 5 6 7 8, ये लास्ट ऑक्टेट की बाइनरी है। और इसी तरह अगर मैं 255 की बाइनरी लिखूं तो ये ऑल क्या हो जाएंगी, 1। ये देखें, ऑल 1, 8 बिट्स आपने 1 कर दी तो 255 आ गया और 8 बिट्स 0 की तो 0 आ गया। एक ऑक्टेट बेसिकली, सॉरी, एक ब्लॉक जो है वो होस्ट पोर्शन के मिनिमम एड्रेस से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम एड्रेस पे खत्म हो जाता है। तो अब इसके अंदर के जो एड्रेसेस हैं वो किस तरह से अब आ रहे होंगे, 0 के बाद क्या आएगा, 1, उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद
फोर, और इसी तरह लास्ट में 252, 253, 254 और 255, यानी कि इसके दरमियान में ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ज़ीरो से शुरू हुआ और 255 तक ये क्लास सी का नेटवर्क था, ये हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इस एक नेटवर्क को जब हम डिप्लॉय करते हैं उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। लेट्स सपोज ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ठीक हो गया। अब इस राउटर का जो एक इंटरफेस होता है, यानी कि लेट्स सपोज ये वाला, इस एक इंटरफेस पर एक ही नेटवर्क एग्जिस्ट कर सकता है। एक नेटवर्क का मतलब है ये पूरा एक ब्लॉक, एक राउटर, और उसके बाद आप सबको पता है कि एक स्विच आता है, और स्विच के बाद हम यूज करते हैं डिवाइसेस, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं जी, डिवाइसेस। लेट्स सपोज इसके साथ तीन कंप्यूटर जो हैं वो अटैच हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक ये और कंप्यूटर आ गया, और इसी तरह ये एक और कंप्यूटर। बेसिकली अब बताना क्या चाह रहा हूं कि आपके पास इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर एक नेटवर्क है, राउटर का एक इंटरफेस जो होता है वो एक नेटवर्क को कैरी कर रहा होता है, मींस के हैंडल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, उसकी ट्रैफिक को देख रहा होता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपका सिर्फ एक ही नेटवर्क है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको दो सबनेट्स बनाने पड़ते हैं, कि आप दो सब नेटवर्क्स बनाएं, तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क किस तरह से बन रहा होगा, वो इस तरह से बनेगा, यानी कि इसका आप इंटरफेस नंबर 2 यूज करेंगे, और उसके बाद आपका ये एक स्विच आ जाएगा, ठीक है। और स्विच के बाद सिंबल सबको पता है कि एक यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक ही कंप्यूटर लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इस डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपके अब दो नेटवर्क्स बन रहे हैं, दो नेटवर्क्स। अब यहाँ पे आईपी डिप्लॉय कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, या तो आप जिस तरह आपको ये राइट साइड पर एक ब्लॉक नजर आ रहा है पूरा, इस ब्लॉक को आप राउटर के एक इंटरफेस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, आप 192.168.1.1 वाला जो आईपी है वो आप इस इंटरफेस पे दे सकते हैं। ये वाला जो इंटरफेस है राउटर का, इस पर एक आईपी दे सकते हैं आप, स्विच को आप मैनेजमेंट आईपी दे सकते हैं आप फॉर मैनेजमेंट पर्पस, इस कंप्यूटर को आईपी दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, और इसको दे सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आपके इस नेटवर्क के अंदर 5 आईपीज यूज होने हैं। अब आपके पास जो एक ब्लॉग है उसके अंदर 1 से लेके 254 तक पूरे 254 आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं, मींस के 5 यूज होने हैं और आपके पास 254 है, मींस आईपी एड्रेसेस ज्यादा हैं, वेस्टेज हो रही है। अब इसी तरह ऐसा नहीं कर सकते हम कि 1 से लेके 5 तक यहाँ दे दें, फिर 6, 7, 8 वो दूसरे इंटरफेस, ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इस साइड पर दे दें। इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 24 बिट्स नेटवर्क की हैं, और जो सबनेट मास्क यूज किया जा रहा है वो हमारा 255.255.255.0 है। 24 बिट बेसिकली ये भी बता रही होती हैं कि आपका सबनेट मास्क क्या है। ओके, अब हम इसके लिए करेंगे क्या, हम बेसिकली हमें दो सब नेटवर्क्स चाहिए।
हमें दो सब नेटवर्क्स चाहिए ताकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करें, मीट करें। तो अब ये तो दो सबनेट चाहिए थे, तो बड़ा आसान सा तरीका है, जीरो जीरो से लेके 255 तक के नेटवर्क को हाफ कर लें, एक नेटवर्क था उसको दो में डिवाइड कर लें। ये तो मैं आपको एक देसी ट्रिक बता रहा हूँ कि सिंपल आपने एक नेटवर्क को दो सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना है तो आप इसको दो पे डिवाइड कर दें। उस केस में होगा क्या कि जीरो से लेके 127 तक एक नेटवर्क बन जाएगा आपका, और 128 से लेके 255 तक ये दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि यहाँ तक अगर मैं हाफ कर दूँ इस ब्लॉक को तो हाफ ऑफ दो ब्लॉक बन गए। अब जीरो से 127 तक का जो छोटा ब्लॉक बना है उसको आप इस नेटवर्क के लिए रख लें, और 128 से लेके 255 तक का जो छोटा सा ब्लॉक बना है इसको आप इस ब्लू नेटवर्क के लिए रख लें। बिकॉज आपके दो सब नेटवर्क्स हैं, राउटर के दो इंटरफेस यूज किए हैं आपने। अब इसके अंदर भी सेम वही रूल लगेगा। अब ये बेसिकली एक छोटा ब्लॉक, छोटी क्लास बन गई है। ये जो पहला आईपी है जो कि 128 से शुरू हो रहा है, ये आप किसी होस्ट के लिए नहीं है, ना आप इसको इंटरफेस पे यूज कर सकते हैं, ना आप मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ना आप किसी कंप्यूटर को दे सकते हैं। ये यूजेबल असाइनेबल आईपी नहीं होगा। इसी तरह ये जो 255 है आखिरी वाला, ये भी असाइनेबल नहीं है, ये इस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होगा। तो यूजेबल आईपी क्या बनते हैं, 129 से लेके 254, और पहले नेटवर्क के अंदर 1 से लेके 126 तक। जी इसी एग्जांपल को अभी हम जो फोर स्टेप का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक फॉर्मूला भी कहते हैं कि आप सबनेटिंग को इस तरीके से करें तो आसान हो जाती है, आप किसी भी नेटवर्क को उस फोर स्टेप के जरिए सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चाहे आपको 100 सबनेट्स बनाने हो, चाहे 200 बनाने हो, 1000 बनाने हो, आप जितने मर्जी बनाना चाह रहे हो बना सकते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को, ताकि हमें इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि हमने अगर दो सब नेटवर्क्स बनाने हैं तो हम एक नेटवर्क को दो सब नेटवर्क में डिवाइड कैसे करते हैं। तो स्टेप नंबर वन है हमारे पास, स्टेप नंबर वन इज रिजर्वेशन। उसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं,